दोस्तों मिल्खा सिंह का कल देहांत हो गया। बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत खराब लगा। मैं जब पहली बार सुना तो बहुत खराब लगा, क्योंकि ऐसे आइकॉन देश में से एक ही होता है। सो बहुत अफसोस की बात है। मिल्खा सिंह एक ऐसा नाम है जो कि विदेशी मिट्टी पे हमारा तिरंगा, हमारा देश का तिरंगा सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा लहराया। सो, कल उसका देहांत हो गया। आज मैं सोचा कि उसको कुछ श्रद्धांजलि दूँ, तो ये वाला स्केच आज मैंने सोचा था कल ही मैं ये स्केच वीडियो कर लूँगा, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज करना पड़ा। चलिए, आपने तो शायद देखा ही होगा फिल्मों में, भाग मिल्खा भाग में कैसे कष्ट भर रहा था बचपन का समय, कैसे कष्ट करके उन्होंने ये मुकाम, जो भी मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, वो कैसे हासिल किया था। आप लोगों ने देखा ही होगा फिल्मों में कैसे दौड़ के मिल्खा सिंह फेमस बना, कैसे सब लोगों का दिल जीत लिया। पूरे देश भर में उनका करोड़ों फैन है, करोड़ों भक्त है। मैं इसीलिए आज उसका ये स्केच करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब में ज़्यादा नहीं मिलेगा मिल्खा सिंह का स्केच या पेंडिंग वाला वीडियो, क्योंकि बड़ा बड़ा जो यूट्यूबर लोग हैं, बड़ा बड़ा जो आर्टिस्ट लोग हैं, सो यूट्यूब में नहीं डाला अब तक कोई भी मिल्खा सिंह का स्केच और पेंडिंग वाला वीडियो जिसका लाखों मिलियन सब्सक्राइब है। क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो उन लोग को क्या पसंद है। कोई अगर कोई सेलिब्रिटी मरता है, कोई फेमस सेलिब्रिटी, तो फटक से वीडियो बना देता है, क्योंकि उन लोगों को शायद व्यू और लाइक ही पसंद है। मैं नहीं जानता इनके बारे में। मैंने आज सोचा कि चलो कुछ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। इसीलिए मैं मेरा ये वाला जो स्केच मिल्खा सिंह के ऊपर डेडिकेट है, मिल्खा सिंह का एक छोटा सा श्रद्धांजलि आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों, आप लोगों का मन में तो सवाल ज़रूरी ऐसा पैदा हो रहा है कि मैं दोनों पेन से क्यों कर रहा हूँ। इसलिए मैं दोनों पेन से कर रहा हूँ क्योंकि एक पेन बहुत टाइम से यूज़ करते करते पेन के जो बॉल में बहुत सारा इंक जमा हो जाता है, बहुत ही ख़राब, बहुत ही फैल जाता है पेन का इंक। इसीलिए मैं दूसरा एक और पेन यूज़ कर, और दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मैं स्किन वाला स्ट्रक्चर बहुत हल्के हल्के से दे रहा हूँ। पेन को आप ये इस जगह पे हल्का करके पकड़िए, एक बार से नहीं होगा, बार बार घिस घिस के कुछ हल्का हल्का लाइन हो जाएगा। दोस्तों ये स्केच आप किसी और भी पेन से कर सकते हो, किसी यूजन थ्रो और किसी और पेन से। मुझे लगा कि मुझे ये वाला स्केच ये जिटर पेन से, 30 रुपये वाला ये पेन से करना चाहिए, क्योंकि ये मिल्खा सिंह का स्केच है, मेरा सबसे महंगा पेन। वीडियो मेरा कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताना। ऐसे ह्यूमन बीइंग का स्केच करते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे व्यक्तित्व का मैं स्केच किया हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, और जिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।